जाएगा। उत्पीड़न हम लोगों का किया जा रहा है, कोरोना में मदद नहीं आप किसी की कर पा रहे हैं आप लोग, हर ढावाने कर के उतरवाने ये आप लोगों के जी में काम रह गया है, और कोई आप लोगों के जी में तो काम है नहीं। डीएम साहब से हम लोग मिलेंगे तभी जाएंगे, यही बैठेंगे हम लोग। हाँ बुलवाइए डीएम साहब को। नहीं नहीं आप ही सुनो भाई, सबके हेरे से आने के नहीं, आप जाने के बदले और जा देंगे। डीएम साहब आवे, डीएम साहब के ही बात किया गया, आदेश वही किया। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मैं तो देवेंद्र सिंह परिहार इसके सामने बैठा हूँ न्याय के लिए अपने 5500 युवा जिला अध्यक्ष प्रिंस सिंह के पिताजी बंटवारे में बाप दादा से जमीन मिली हुई, 82 में बंटवारा हुआ था उसमें जमीनों मिली हुई थी, उसमें घर बना के 5500-7000 साल से लोग रहते थे। आज कोरोना जब से हुआ है, जब से कोरोना में एक साल से चल रहा है, तब से डायरेक्ट डीएम साहब और ये आदेश कर दिया घर गिरवाने का, न कोई जांच न कोई नापी कुछ नहीं हुआ, सिर्फ माफियाओं के दबाव में ये लोग आकर के कुछ अधिकारियों को बचाने के लिए। क्या कह रहे हैं लोग? अब ये लोग जो है कहते हैं कि पोखरी में घर है, अरे आप नापिए, आप मैं हम लोग तो कहते हैं कि आप नक्शे के हिसाब से नाप दीजिए जमीन को, अगर गलत मैं हूँ तो मैं खुद हटा लूंगा, मैं खुद हटने के लिए तैयार, जो भी सजा मुझे दिया जाए वो मैं वाजिब है, मैं तैयार हूँ लेने के लिए। तो क्या लगता है किसके कहने पे किया होगा इस तरह से? अब ये कुछ अधिकारी, जब पुराना नक्शा गायब हो गया, पुराना नक्शा गायब हो गया, लिखे दिया देखिए, तो बगैर नक्शे की कार्रवाई हो रही है, देख लीजिए ये पुराना नक्शा हमको, मैं खुद मांगने गया तो इसमें हमको नक्शा बोल दिया गया कि नक्शा यहाँ है ये नहीं, गायब है। तो कार्रवाई कैसे देख रहे हैं, प्रताड़ित किया जा रहा है? क्या प्रताड़ित किया जा रहा है, क्या वजह है इसके? अब तो ये अधिकारियों को, कुछ अधिकारियों को, अधिकारी का तो नुकसान करता नहीं है, पुराना नक्शा गायब हो गया, नए नक्शे पर जो है वो अधिकारी एसडीएम और तहसीलदार पुराने जो मिल करके अब कुछ नक्शा को माफियाओं के द्वारा उल्टा सीधा इधर उधर का बना करके और पेश कर दिया, उसी पर पूरा खरमंडल मचा। कौन माफिया है? माफिया कौन? अब तो अधिकारी जानेंगे ना कौन माफिया है, अब हम लोग चिन्हित तो किए नहीं है किसी। तो क्या मांग कर रहे हैं अभी आप? तो अभी हमारे यहाँ अब ये भी बहुत सबसे बड़ी विडम्बना की बात है कि हमारे घर, मेरे जिला अध्यक्ष के घर 4 तारीख को इसके बहन की इसी 4 तारीख को शादी है, घर में पुराना करकट लगाया हुआ चू रहा था, ये सब लोग देखे भी हैं, सब लोग वीडियो भी चली है, पुराना करकट हटाया गया और उस पर नया करकट रख दिया गया शादी के नाते कि भाई अब आएंगे लोग तो कहाँ रहेंगे, बरसात और धूप होने लगेगी तो, और वो क्या करके एसडीएम तहसीलदार और थाना सारा लखन सिंह यशो ये मिल करके ये अपने स्वयं चढ़ करके ढाह दिए लोग। क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग मांग कर रहे हैं कि हम लोगों को न्याय मिले, हमारा करकट गिराया हुआ जा करके प्रशासन रखवा दे।